Hello friends, I welcome you all in my YouTube channel, and here today I will be discussing some book list for APSC CCE mains. Or before starting the video, I should give a disclaimer that this is not so perfect or not the ideal book list. Okay, ये just what I found appropriate for myself and which these are some books which are I am actually following currently, huh? For myself. And will share only this. This video you may find that मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ ली है, बहुत कुछ बता दिया, but ऐसा बिल्कुल नहीं है. I am the person who believe in the minimum resources and to stick to the minimum resources with multiple revisions. ठीक है, तो will share only this. This video I am shooting or recording just because of 2%. मेरा कोई मूड नहीं था, but इन दोनों person की वजह से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ. So thank you Amajit and Juma. So this is okay. So let's begin. तो GS1 में we have history, geography, Indian society and art and culture. मैंने कल world history भी included कर दिया था UPSC का सोच के, but world history is not included in APSC वाला syllabus. Okay, so we will read this. What I am following is ancient medieval history, Indian history के लिए Tamil Nadu का 11th और 12th standard का book is more than enough for me. And modern history के लिए spectrum is the only resources I followed. और for see prelims में facts ज़्यादा चाहिए होते तो इसके लिए मैंने Lucent follow किया था, but mains में facts नहीं चाहिए, बस understanding चाहिए कि concepts clear होने चाहिए. That's why I follow these things. Okay, next you can also for if you are not satisfied with this, you can also go for coaching material or NCERT is the ultimate thing, you can go for it. geography के लिए I follow only NCERT 11th 12th और जो करेंट अफेयर्स में रहते हैं वहाँ के थ्रू मैं वैल्यू एडिशन कर लेती हूँ. यू कैन ऑल्सो रीड GC लियोंग, ये सारे यू कैन रीड. फॉर इंडियन सोसाइटी आई हैव रीड ओनली IAS का प्रहार PDF एंड इट्स वेरी गुड, वेरी टू द पॉइंट, और टॉपिक जो भी हैं उसके अकॉर्डिंग ही है बिल्कुल, तो वो आई हैव फॉलोड. और NCERT यू कैन फॉलो. मैं आपको अभी एट द एंड ऑफ द वीडियो आई ऑल्सो शेयर माई नोट्स कि मैंने नोट्स कैसे बनाए हैं, और उसके मैंने PDF बना रखे हैं और उसको मैं शेयर करूँगी. ठीक है, आप लोग हो सके तो देखना लास्ट तक. फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए आई हैव रेड टू रिसोर्सेज लाइक सॉरी हाँ मैंने नितिन लिख दिया, इट्स नितिन सिंघानिया एंड नॉट जी एंड ओनली आई इसका PDF. सी आर्ट एंड कल्चर तो आप जब एंशियंट एंड मेडिवियल हिस्ट्री पढ़ोगे तमिलनाडु के बुक से इट विल बी कवर्ड, बट फॉर सम स्पेसिफिक नॉलेज लाइक लिटरेचर के लिए हो गया या फिर टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया, ये सब के लिए आई हैव स्पेसिफिकली रीड टू मटेरियल्स. नितिन सिंघानिया ओनली फॉर द फ्लो चार्ट एंड डायग्राम, उनके हैंड रिटन नोट्स आते हैं तो उसमें बहुत प्यारा और फ्लो चार्ट और डायग्राम बना हुआ, तो वो मैंने वहाँ से कॉपी किया. एंड ओनली IAS के लिए थोड़ा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये PDF मैंने फॉलो किया. ये कोई पेड वीडियो नहीं है या फिर स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट स्टिल आई एम विल बी प्रमोटिंग ओनली IAS वीडियो क्योंकि मैंने उसमें बहुत अच्छे टू द पॉइंट बहुत कुछ पढ़ाया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. सो दिस इज़ व्हाट आई फॉलोड. ओके, फिर नेक्स्ट आते हैं GS2 में, देयर इज़ पॉलिटी IR एंड गवर्नेंस मेजर टॉपिक्स. सो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज ओनली थिंग आई हैव फॉलोड और करेंट अफेयर्स को फॉलो किया. IR के लिए IAS पार्लियामेंट की एक PDF आती है इन विच देयर इज़ अ ग्रेट कॉम्पाइलेशन ऑफ मल्टीपल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर रोल एंड एवरीथिंग, इंडियाज रिलेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन एवरीथिंग इज डिटेल इन डिटेल इज गिवन. सो मैंने वो फॉलो कर किया है और अभी भी मैं वही फॉलो करूँगी और कर रही हूँ, हाईलाइटेड है वो. गवर्नेंस के लिए अगेन ओनली IAS PDF क्योंकि वो टू द पॉइंट है, दैट्स वाई. ओके, then for polity if you want to read some extra things तो you can go for DD Basu. PIB आप लोग follow कर सकते हैं और PRS also. PIB और PRS ना daily नहीं पढ़ना होता, उसको monthly या फिर 10-20 दिन में एक बार देख लीजिए या फिर ऐसे monthly में एक बार देख लीजिए, इनसे हो जाता तो कुछ कुछ points मिल जाते हैं. और फिर IR के लिए आपको करेंट अफेयर चाहिए तो मीन्स 365 की विजन IAS की बुकलेट आती है जो कि टेलीग्राम पर फ्रीली अवेलेबल है, वहाँ से यू कैन रिफर इट. GS3 के लिए इकोनॉमी के लिए मैंने मृणाल सर का पढ़ा, वहाँ से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं और ओनली IAS से जो टॉपिक्स मृणाल सर ने कवर नहीं किए थे वो मैंने ओनली IAS से पढ़ा है, बस एक्स्ट्रा कुछ नहीं. मैं सेम टॉपिक के लिए दो रिसोर्सेज नहीं लेती, एक ही फॉलो करने की कोशिश करती हूँ. आप लोग एक्स्ट्रा के लिए कोचिंग PDF कैन रिफर टू दैट. एनवायरमेंट के लिए आई हैव रेड शंकर IAS वाली बुक एंड करेंट अफेयर्स, बस दैट्स ऑल. PMF PDF जो होते हैं ना वो भी काफ़ी अच्छे हैं, मैंने बस देखा है लेकिन पढ़ा नहीं है तो इसलिए इन डिटेल आई कांट टेल यू गाइस. साइंस फॉर साइंस एंड टेक आई हैव रेड मेंस 365 वाला विजन IAS का एंड करेंट अफेयर्स बुकलेट, दैट्स ऑल. यू कैन ऑल्सो रिवर रवि अग्रहारी सर की बुक, बट
मुझे नहीं लगता कि अभी के एक साइंस एंड टेक के लिए 500 पेजेस पढ़ना वर्थ इट है। सो देख लो आप लोग, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैंने गूगल सर्च और टॉपर्स कॉपी और करंट अफेयर पर रिलाई किया। अब आप लोग सोचोगे कि इन तीनों को कवर करके कैसे नोट्स बन सकते हैं, तो आई विल शेयर माई नोट्स इन दिस वीडियो ओनली। मैं दिखाऊंगी कि मैंने इन तीनों को कवर करके कैसे एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाया है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी मैंने सेम किया है। आप लोग ओनली आई एस की PDF फॉलो करते हैं। प्रहार PDF बोल के आती है, एक प्रहार आती है और एक उड़ान ओनली आई एस की। दे आर फेब्यूलस, टू द पॉइंट टॉपिक है। आप लोग वहाँ से बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करो, उसके बाद से अपने फिर वैल्यू एडिशन, करंट अफेयर्स तो हम पढ़ते ही हैं प्रीलिम्स के लिए, वहाँ से वैल्यू एडिशन वी कैन डू इट, ठीक है। GS4 के लिए, थ्योरी के लिए मैंने लेक्सिकन बुक ली थी, बट दिस इज़ नॉट वर्थ इट, क्योंकि आपको कोई भी बुक प्रॉपर नहीं लगेगा। इसीलिए अगर बुक नहीं लिया तो बहुत अच्छी बात है, किसी एक का कोचिंग इंस्टीट्यूट का PDF उठाओ और उसको पढ़ो। और इसमें मेन है कि जो टॉपिक्स है ना इन सिलेबस, यू नीड टू जस्ट गूगल सर्च इट एवरी डिटेल और ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक इन द बेयर मिनिमम और बेसिक, एकदम सिंपलेस्ट मीनिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड फॉर केस स्टडीज, सॉरी, एंड यू हैव टू सर्च द सिंपलेस्ट मीनिंग एंड देन नोट इट डाउन, क्योंकि सिंपल मीनिंग जो आपने खुद से किया हुआ ना, एट लास्ट एग्जाम में प्रेशर में वही याद आने वाला है, रट्टाफिकेशन कुछ काम नहीं आने वाला, इसलिए थोड़ा सा एफर्ट्स की ज़रूरत है। केस स्टडी के लिए आई हैव टेकन एग्जाम्पल्स फ्रॉम टॉपरस्कोपी, ठीक है। यू कैन डू ऑल्सो, टॉपरस्कोपी अवेलेबल है और बुक्स भी अवेलेबल है PDF काफ़ी टेलीग्राम पे। GS5 ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसके लिए मेरे पास बहुत ही कम रिसोर्सेज है, और ये प्रॉपर है या नहीं मैं ये भी नहीं बता सकती, ये सारे आसाम स्पेशल है। तो फॉर हिस्ट्री आई हैव रेड एडवर्ड गेट्स का हिस्ट्री बुक, जो कि यांडाबू ट्यूटर तक है, एंड SPM हिस्ट्री, SPM IAS एकेडमी की जो हिस्ट्री की लेक्चर्स है, यूट्यूब वीडियो है, 29 वीडियोस हैं, वो मैंने सारे के सारे देखे, और कहीं ना कहीं उससे ही मेरे आसाम हिस्ट्री की कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हुए, एंड दोज वीडियोज़ आर सुपर, आई पर्सनली रिकमेंड दोज वीडियो टू यू टू वॉच, ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो। फॉर पॉलिटी, जियोग्राफी, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी आई हैव सिंपली रेड द सेलिन बेशिया का GK बुक एंड ऑल्सो असम ईयर बुक एंड गूगल सर्च, विकीपीडिया को मैंने बहुत फॉलो किया, और कुछ कुछ जो कभी कभी होता है ना कि आप MCQ सॉल्व करते हो तो वहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो वो सब को मैंने नोट डाउन करके रखा है इन सब टॉपिक के लिए। कोई मेरे पास बुक नहीं है परफेक्ट, सो इफ़ यू नो द बुक्स, एनी परफेक्ट बुक, परफेक्ट नॉट सो परफेक्ट, मतलब एनी बुक विद दिस रिगार्ड, प्लीज़ लेट मी नो, मेरी भी हेल्प हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और आसाम रिलेटेड करेंट अफेयर के लिए आई कम्प्लीटली रिलाई ऑन यूट्यूब वीडियोज़, स्पेशली SPM Academy की ही वीडियोज़ आती हैं, और एक स्टडी इनसाइट बोल के एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आई वॉच द वीडियोज़, ठीक है। दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू गाइज, और सिंस यू हैव वॉच्ड एवरीथिंग, सो दिस इज़ द बोनस पॉइंट फॉर यू। सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको इम्प्रूव करनी है आंसर राइटिंग, क्योंकि वो सारे जो नोट्स, ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ना, एवरी वन रीड्स, ओके, सिमिलर काइंड ऑफ रिसोर्सेज, तो आपको कुछ तो अलग करना होगा ना, इसके लिए क्या करिए, मेमोराइज 7 SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो, और हमारे DPSPs, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, एवरीथिंग विद आर्टिकल, ज़्यादा नहीं है, हार्डली इन सबको मिला के 100 लाइन्स होंगे, बहुत मैक्सिमम होंगे तो 100 लाइन्स होंगे, हाँ, यू कैन मेमोराइज इट, ठीक है, और ट्राई टू इनकलकेट देम इन योर आंसर। इससे क्या होगा कि आपका आंसर ना एवरेज से अबव रहेगा, तो यही तो रिक्वायर्ड है ना, कि एवरेज से थोड़ा कुछ हटके करना है, अलग सा करना है। और सेकंड थिंग, व्हाट कैन यू डू इज मेक ए कॉम्पिलेशन ऑफ द डोमेस्टिक रिपोर्ट्स, लाइक इंडियन लेवल पे जो भी रिपोर्ट्स होते हैं रिलीज्ड बाय नीति आयोग, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव जो वाटर कॉम्पोजिट वाटर रिसोर्सेज है वगैरह वगैरह के लिए बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं ना, RBI रिलीज करती है मॉनिटरी पॉलिसी वगैरह के लिए, तो उन सबको आप वो करिए, कंपाइल करिए, और उसमें जो आसाम्स की परफॉर्मेंस इन पर्टिकुलर और इन मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जो परफॉर्मेंस है इन जनरल, उन सबको नोट डाउन करिए, और ट्राई टू इंक्लूड दोज पॉइंट्स इन योर आंसर। इससे क्या होगा, जो कि सीरियस एस्पिरेंट भी होंगे ना, उनसे भी आप एक स्टेप अहेड रहोगे। दिस वॉज द बोनस पॉइंट फॉर यू, क्योंकि आपने पूरी वीडियो देखी है, सो ओके, अब नाउ नोट्स की बारी। सो दिस इज़ माई नोट्स, सम ऑफ द ग्लिम्सेज ऑफ नोट्स, नॉट द एक्चुअल, ये थोड़ा ज्योग्राफी का हो गया, ऐसे ऐसे मैंने बना के रखे हैं, साइक्लोन जो कि ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल टेम्परेट वगैरह आते हैं, उसके कंडीशंस क्या होते हैं, एवरीथिंग, एंड द डायग्राम, इजी डायग्राम भी, कि जो मैं एग्ज़ाम में बना सकूँ फटाफट। प्लस ये एल नीनो ला नीना इज़ अ वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ यू नो AP एनी पब्लिक सर्विस कमीशंस, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है इन वर्ल्ड,
हाँ इन वर्ल्ड एंड इन इंडिया एवरी थिंग आई हैव रिटन, सो वो क्रिस्प में लिखा है मैंने कि मैं बार बार इसको रिवाइज कर सकूँ, और सेम ये चार्ट में एग्ज़ाम में भी बना सकती हूँ, नथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, ईजी है. दिस इज़ हाउ आई हैव प्रिपेयर्ड, दिस इज़ ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री रीजन डायग्राम ऑफ एवरी थिंग, एंड दिस इज़ आई इंटरनल सिक्योरिटी जो कि मैंने गूगल सर्च टॉपर कॉपी और करेंट अफेयर से बनाया है. सी दिस इज़ हाउ आई हैव मेड ये सब डायग्राम्स, जो कि छोटे छोटे डायग्राम्स होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं आंसर्स को. एंड एक्सट्रीमिज्म का ये वन लाइनर डेफिनेशन, दिस काइंड ऑफ थिंग, टाइप्स, क्लासिफिकेशंस, रीजंस फॉर स्प्रेडिंग, फंड्स कहाँ से मिलते हैं, टेररिज्म, और सी कितना प्यारा प्यारा पॉइंट है, साइबर टेररिज्म, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन फ्रॉम रेडिकलाइजेशन टू रिक्रूटमेंट टू ट्रेनिंग टू मनी ट्रांसफर एवरीथिंग. ये सब लाइन में अगर कंक्लूजन या इंट्रोडक्शन में मैं वो डालूंगी तो इट्स विल बी वेरी गुड ना, अच्छा इंप्रेशन देगा. प्लस ये अपने डिफेंस मिनिस्टर सिंह जी साहब ने कहा था, टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन द ग्रेटेस्ट थ्रेट ऑफ द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड. ये काइंड ऑफ उनकी जो स्टेटमेंट्स है, क्योंकि वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक अथॉरिटी है, तो उनकी स्टेटमेंट्स को वी कैन डायरेक्टली यूज़, लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या कहा वो सब हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, अपने सीएम ने क्या कहा वो यूज़ कर सकते हैं. तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ये तो अच्छे से पिक्चर नहीं आया, बट यू कैन सी थोड़ा थोड़ा साइबर सिक्योरिटी के बारे में, यहाँ पे क्या क्या किस टाइप के क्राइम्स होते हैं, साइबर वारफेयर कैसा होता है, चैलेंजेस क्या हैं, वाई नीडेड, मतलब साइबर सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है वगैरह, फिर साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी क्या होती है, फिर ये प्रेडिक्शन, प्रिवेंशन, डिटेंशन एंड रिस्पॉन्स, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, वे फॉरवर्ड क्या है, ये सब है. फिर सक्सेस स्टोरीज हैं केरला का एंड ऑल, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, मेजर्स टेकन, क्या कर रही हूँ मैं, हाँ मेजर्स टेकन, किस टाइप के क्या क्या होते हैं, सेफगार्ड क्या है अगेंस्ट साइबर फ्रॉड्स, प्लस यहाँ पे डीप वेब, डार्क वेब, सरफेस वेब, ये सब क्या होता है, ये डायग्राम के थ्रू मैं बता सकती हूँ इन द एग्जामिनेशन. अगेन हियर NGO इज़ ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो NGO क्या है, गांधी एंड वॉलंटियरिज्म, ये की वर्ड्स हैं जो कि आई कैन यूज़ इन द एग्जामिनेशन डायरेक्ट, फीचर्स, द टाइप्स, मैनी थिंग्स आर रोल, देयर रोल इन ब्रिंगिंग बिहेवियर चेंज, सजेशंस क्या है इम्प्रूवमेंट के लिए, SHG क्या है वगैरह वगैरह. सी यू कैन ऑल्सो सी वन थिंग, एक और है यहाँ पे, एक तो रोल है कि पॉजिटिव रोल, एक है कि नेगेटिव रोल भी है, तो वो ऑब्स्ट्रक्ट रोल बोलते हैं उसको. फिर यहाँ पे SHG का फंक्शन, उसका नीड क्या है, बेनिफिट क्या है, जेनेसिस क्या है, वीकनेस क्या है, एवरीथिंग वी हैव, आई हैव सो कॉम्प्रिहेंसिवली आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये सारे ब्लू पेन में या ब्लैक पेन में है, कोई हाईलाइटेड नहीं है. आई हैव नॉट हाईलाइटेड दिस पॉइंट्स जस्ट बिकॉज अब मैं जब सेकेंड रीडिंग कर रही होंगी ना, अभी मेंस के पहले, तो मैं हाईलाइट करूँगी कि उस इन सारे कीवर्ड्स में भी जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको, वो क्या है, कि एट लास्ट जो कि कल मेरा मेंस है, तो आज मैं वो उन की पॉइंट्स को रिवाइज कर सकूँ, इसलिए अभी मैंने हाईलाइट इसको नहीं करके रखा है. सी दिस लाइन इज़ सो ब्यूटीफुल ना, रोल NGO के वर्क क्या होता है, इट वर्क एज एन आईज एंड ईयर्स ऑफ द गवर्नमेंट. ये एक एक लाइन जो है ना, आई कैन यूज़ इन द एग्जामिनेशन इन द आंसर राइटिंग. दिस इज़ वर्क. अगेन सिटीजन चार्टर, सिटीजन इज़ अ किंग इन द सिटीजन चार्टर, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिंसिपल क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है, हाउ इट इंश्योर्स एथिक्स वगैरह वगैरह. सर्वोत्तम मॉडल, सोशल ऑडिट, सी डायग्राम्स यू कैन ऑल्सो रिफर. फिर सोशल ऑडिट का साइकिल क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या है. अगेन यहाँ पे साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, आई कैन दिस क्या बोलते हैं ना, हब एंड स्पोक मॉडल इसको बोलते हैं, तो आई कैन डू. फिर कास्ट सिस्टम, ये इंडियन सोसाइटी के ऊपर है. हम कितने प्यारे प्यारे पॉइंट्स हैं, सी कैसे है हायरार्की, कैसे है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, व्हाट आई एम डूइंग सॉरी, हाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, अनटचेबल्स, अगेन इन सब के ऊपर है गॉड, अगेन ऐसे कितने प्यार से है. फिर कास्टिज्म के लिए क्या क्या थ्योरीज हैं, रेडिकल थ्योरी, रिचुअल थ्योरी, ऑक्यूपेशनल थ्योरीज, वर्ना सिस्टम था, फिर क्लास आया, कास्ट आया, फिर जाति आई वगैरह वगैरह. सी यू कैन हैम इवोल्यूशन कैसे हुआ, ऋग वैदिक, लोअर लेटर वैदिक पीरियड, मेडिवियल एरा, कॉलोनियल रूल में क्या था, अभी क्या है, एवरीथिंग आई हैव रिटन इन डिटेल. सो दिस इज़ हाउ माई वे ऑफ हेल्पिंग यू अ बिट. सो अगर थोड़ा सा भी आपकी हेल्प हुई होगी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब इट. थैंक यू.